राकांपा प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को दावा किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बात के संकेत हैं कि देश में बदलाव की हवा चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मतदाताओं के ध्रुवीकरण की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी लगातार दूसरी बार धमाकेदार जीत की ओर बढ़ रही है। पवार ने कहा कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए क्षेत्रीय दलों को साथ आने की जरूरत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा प्रमुख पवार ने पत्रकारों से कहा, दिल्ली चुनाव के नतीजे इस बात के संकेत हैं कि देश में बदलाव की हवा चल रही है। नतीजों ने मुझे हैरान नहीं किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार ने कहा कि भाजपा ने हर बार की तरह इस बार भी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही।